भारत बाज ने आया। कंट्रोल लाइन पर बिलाशियाल फायरिंग। खोई जटा सेक्टर पर रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। गांव जजोट का रिहायशी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाक फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय मोर्चों में खामोशी छा गई। भारत को किसी भी हमाकत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ललकार, कहते हैं अफगान आम अमल में ज़रखना डालने वाले एक कुव्वत हमारा पड़ोसी है। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड ना खेले, ये पाकिस्तान कार्ड खेलने का वक्त है। सिंध में जाने के लिए NOC की जरूरत नहीं। बिलावल को तब से देखा जब वो मोहतरमा से झिड़के खाया करते थे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, छोटी मार्केट्स हफ्ता भर खोलने का हुक्म। शॉपिंग मॉल्स भी फौरी खोलने के अहकाम। दुकानें सील ना करने की हिदायत। SOPs पर अमल ना हो तो डराएं नहीं बल्कि समझाएं। कारोबार बंद हुआ तो दुकानदार कोरोना से नहीं भूख से मर जाएंगे। क्या हफ्ता इतवार को कोरोना नहीं आएगा? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कोरोना पर इमदाद और अखराजात बारे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। चीफ जस्टिस का रिपोर्ट पर इजहार अदम एतमान। कहा अरब रुपए कहां जा रहे हैं? 500 अरब रुपए खर्च हों तो कोरोना का हर मरीज करोड़पति हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम लगाने का क्या फायदा कि सैकड़ों मरीज इंतकाल कर जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर शॉपिंग मॉल्स खुल गए। इस्लामाबाद में बड़ी छोटी मार्केट्स खुल गईं। पंजाब हुकूमत का शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खोलने का फैसला। मार्केट्स शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। सिंध में भी मार्केट्स खोलने का ऐलान। सईद गनी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने के पाबंद हैं। बहा 20 मई से होगा। 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। शेख रशीद SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहते हैं उम्र की कोई कैद नहीं, सब सफर कर सकते हैं। तरजीह ऑनलाइन बुकिंग करवाने वालों को दी जाएगी। आवाम के पुरजोर इसरार पर ट्रेनों की बहाली का फैसला हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा जरिया सफर है जिसमें कि आम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और फिर जैसे आपको मालूम है कि ईद भी आ रही है, तो आवाम की सहूलत के लिए ये फैसला किया गया कि ट्रेनों को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कोरोना के साथ भूख का भी तो मुकाबला करना है। वजीर इत्तला शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दिहाड़ीदार मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ट्रेनों की बहाली का फैसला आवाम के इसरार पर किया। ईद की छुट्टियों में भी इंडस्ट्री चलेगी। अवाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं।